Praise the Lord. Hallelujah. We have entered in the new year. हमने नए साल में कदम रखा है. And there are some very good news for us. और हमारे लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं. Amen. Amen. For this new year. इस नए साल के लिए हमारे लिए अच्छी खबरें हैं. You know, whatever prophecies God has for us. आप जानते हैं जो कोई भविष्यवाणी प्रभु के मन में हमारे लिए है. Every year. हर साल. Can be seen from the Bible. हम देख सकते हैं उन्हें बाइबल से. The Bible is for all eternity. और ये जो बाइबल ये किताब सनातन के लिए है. Amen. Amen. Every year what God wants to do. और हर साल जो प्रभु करना चाहता है. In one way or the other is already written in the Bible. एक या दूसरे तरीके में वो सारी बातों का उल्लेख बाइबल में किया गया है. Amen. Amen. We have to know which is for this year, which is for the next year. हमें सिर्फ जानना है कि कौन सी बातें इस साल के लिए और कौन सी बातें अगले साल के लिए. I remember, you know, see, before I share this word, important word. इससे पहले कि आज का संदेश मैं आपसे बैठूं. What plan God has for this new year? किस नए साल को लेकर प्रभु की योजना क्या है? Let me tell you something. आइए कि मैं आपसे कुछ कहूं. You know this riots and this. आप जानते हैं जो ये दंगे हो रहे हैं, मारामारी हो रही है. Problems which take place. जो इस तरह से शहर में हो रहा है. It is not from God. ये बातें परमेश्वर से नहीं है. It's not from God. ये बातें प्रभु से नहीं है. God doesn't want these things to happen. और प्रभु नहीं चाहते हैं कि इस तरह के दंगे मस्ती हो. First and foremost, पहली बात, through all this, the devil puts fear. अब इन सभी बातों के द्वारा शैतान डर पैदा करता है. So that people are not able to gather in the churches. ताकि लोग कलीसिया में जमा ना हो. They'll not come to hear the word. ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुनने so ना आए. So this is the plan of the devil. और ये शैतान की योजना है. This violence, the tumults, all this is not from God. ये हिंसा, ये अफवाहें, ये दंगे, ये बातें परमेश्वर से नहीं है. Because all this require hate. क्योंकि इन सभी के पीछे नफरत होना जरूरी है. Without hate, there can be no violence, murder, or murder or killing. बगैर नफरत के ना तो हिंसा हो सकती, खून खराबे हो सकते, हत्या मारा पीटी दंगे नहीं हो सकते बगैर नफरत के. Murder and killing is different. अब खून खराबे और हत्या ये अलग बात है. Murder is different, killing is different. That we'll see. और खून खराबा अलग है, हत्या अलग है, ये किसी और दिन देखेंगे. But this is not from God. पर ये बातें प्रभु से नहीं है. This from the devil. ये बातें शैतान से हैं. That is why God tells us to pray for the people in authority. और ये कारण है प्रभु कहता है कि अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना की जाए. Why? क्यों? So that we can live in peace. ताकि हम सुख और शांति में जी सकें. Amen. Amen. You know, I posted that message. मैंने ये संदेश Facebook पे डाला है. We have to pray. Christians must pray. कि मसीहों को प्रार्थना करनी ही है. God is going to hold Christians, those are the life of Christ, accountable for whatever happens in the city. और जो कुछ शहर में हो रहे हैं दंगे और मारापीटी के लिए परमेश्वर मसीहों को जिम्मेदार ठहराएगा जिनके अंदर मसीह का जीवन है. Remember this always. ये बात हमेशा याद रखिएगा. God is going to hold Christians responsible. कि परमेश्वर मसीहों को जिम्मेदार ठहराएगा. We are not in this violence. हमारा इस हिंसा में हाथ नहीं है. But we have the power in Jesus' name to bring peace. पर हमारे पास यीशु के नाम में शक्ति है कि हम शांति ला सके. That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है. You read in 1 Timothy. आप पढ़ सकते हैं 1 तिमोथियस में. It is in Timothy only. You know? Now we'll not go there. Otherwise I'll have to teach you that. नहीं तो वो वचन अगर खोलूंगा तो सिखाना पड़ेगा. Pray for all the authority people. कि सारे अधिकार और पद वालों के लिए प्रार्थना करो. Christians. ताकि हम जो मसीह हैं. He's talking about us. और ये हमारे बारे में बोल रहा है. God is interested in us. प्रभु की दिलचस्पी हमें. That we may live a peaceful life. ताकि हम सुख और चैन भरा जीवन जी सकें. Now the second reason God asks us to pray is this. अब दूसरा कारण जिसके तहत प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें. When there is peace. कि जब शांति होगी. You can preach about the Lord. तो हम प्रभु के बारे में लोगों को शुभवर्तमान बोल पाएंगे. When there is violence. और जहाँ हिंसा होती है. No one will hear. तब झगड़ों के बीच में कोई भी शुभ वचन नहीं सुनेगा. The devil wants that there should always be lack of peace. इसलिए शैतान हमेशा चाहेगा कि शांति की घटी, शांति की कमी रहे. According to the Bible, पवित्र वचन के अनुसार, peace is a spiritual weapon. शांति एक आत्मिक हथियार है. I gave this message. ये संदेश मैं दे चुका हूँ. Isn't it? Peace is a mighty weapon. कि शांति एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है. It protects you. इससे आपकी रक्षा होती है. The God of peace will crush Satan under your feet. और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलेगा, ऐसा वचन में लिखा है. Not the God of war. युद्ध का परमेश्वर नहीं. No, no. God of peace. शांति का परमेश्वर. तुम शांति से
सैतान को हरा सकता है. Amen. If you maintain peace in your home, यदि आप अपने घर में शांति बनाए रखते हैं, the devil is defeated. तो शैतान हार चुका है. The devil doesn't want peace in your home. शैतान नहीं चाहता कि आपके घर में शांति रहे. The devil always wants fights. शैतान हमेशा झगड़े चाहता है. Misunderstandings. वो हमेशा गलतफहमियां, तकलीफें, समस्याएं चाहता है. So that the work of God cannot happen in your home. ताकि परमेश्वर का कार्य आपके घर में ना हो सके. We must not fight at home. घर में हमें झगड़े नहीं करने हैं. Husband, wife, पति पत्नी, children, parents, बच्चों और माता पिता के, brothers, sisters, भाई बहनों के बीच में, must not fight. इनके बीच में झगड़े नहीं होने चाहिए. If there is fight, यदि झगड़े होंगे, the Bible says, तो वचन में लिखा है, there will be all kinds of confusion. कि वहाँ सभी तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी. गड़बड़ी में तुम प्रभु का इच्छा नहीं कर सकता है, प्रभु के बारे में जान नहीं सकता है. Amen. You will not know His plan, His will, His leading, nothing. तो आप प्रभु की इच्छा, उसकी योजना, उसके मार्गदर्शन को नहीं जान पाएंगे. And secondly, it opens the door for the devil. और दूसरी बात, ये बात शैतान के लिए दरवाजा खोल देती है. That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है. So maintain peace. इसलिए शांति बनाए रखिए. Not only in your home. केवल घर में ही नहीं. But we Christians are responsible to bring peace in the city, state and central. पर हम जो मसीह है केवल अपने घर में ही हमें अपनी शांति नहीं बनाए रखनी है, पर हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में भी शांति बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है. Amen. The devil wants to continuously have this kind of problems. और शैतान चाहता है कि लगातार इस तरह के दंगे और झगड़े होते रहें. And the people of darkness can do nothing. और अंधकार के लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते. They can do nothing. वो कोई उपाय नहीं कर सकते. They cannot stop it. वो चाहकर भी रोक नहीं सकते. Because they are in the spirit darkness. क्योंकि वो आत्मिक अंधकार में खुद हैं. Those who are out of spirit darkness. ऐसे लोग जो अंधकार के बाहर हैं. Are the children of light. वे प्रकाश के संतान हैं. Who have accepted Jesus as the light. और जिन्होंने प्रकाश के तौर पे यीशु का स्वीकार किया है. You are outside His kingdom. हम उसके राज के बाहर हैं. And you have the authority of the light. और हमारे पास प्रकाश का अधिकार है. Amen. Amen. The Bible says clearly. और स्पष्टता से बाइबल कहती है, the more the darkness, जितना ज्यादा अंधकार बढ़ेगा, the more you will shine brighter, उतना ही अधिक हमारी जो चमक है वो तेजस्वी होगी. Amen. Amen. You don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है. The more darkness, जितना ज्यादा अंधकार बढ़ेगा, the more you're going to shine brightly, उतना ही तेजी से हम और चमकेंगे. They have to worry. उन्हें डरना है, चिंता करनी है. आपको नहीं. But you can stop it. पर आप चाहे तो उसे रोक सकते हैं. The Bible says, darkness can never overcome light. क्योंकि वचन में लिखा है कि अंधकार कभी प्रकाश में जय नहीं पा सकेगा. Amen. Amen. By prayer. प्रार्थना के द्वारा. You must push off darkness. हमें अंधकार को बाहर ढकेलना है. That is the Christian's job. और यही मसीहों का काम है. You are the light of the world. आप जगत का प्रकाश हैं. But what do we do? आप क्या करेंगे? We hide the light. हम ऐसा करते हैं कि हम उस प्रकाश को छिपा के रखते हैं. We are not using that light. हम उस प्रकाश का इस्तेमाल नहीं God's कर रहे. Glory. परमेश्वर की महिमा के लिए. God cannot do anything without you. बगैर आपकी मदद के प्रभु कुछ नहीं कर सकता. Remember that. ये हमेशा याद रखिए. अगर प्रभु कर सकता था हमारे बगैर, हमको पूछने की जरूरत नहीं, हम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, चर्च में आने की जरूरत नहीं, वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं. वो जानता है क्या करने का, अपने आप कर देगा वो. Isn't it? Why he has to wait? You pray, then I will do. तब वो क्यों आपके लिए रुकेगा कि पहले तुम प्रार्थना करो, फिर मैं काम करूँगा? तुम वचन के बारे में पढ़ो, जानकारी दो, फिर बाद में मैं करता हूँ. तुम प्रार्थना करो, फिर मैं काम करता हूँ. तुम मांगो तो मिलेगा. क्यों? हम क्यों मांगना चाहिए? उसको मालूम नहीं हमको क्या चाहिए. मालूम है. बाइबल सेज ही नोज बिफोर यू आस्क व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क. बाइबल में लिखा है कि वो आपके मांगने से पहले जानता है कि आप क्या मांगने वाले हैं. But yes, he says you ask. फिर भी वो आपसे कहता है कि पहले मांगो. That means. इसका मतलब है. Heaven waits till you move. Heaven will not move. इसका मतलब है कि स्वर्ग रुकता है, जब तक आप नहीं काम करेंगे स्वर्ग भी आपके लिए काम नहीं करेगा. But what are the Christians doing? पर फिर मसीह लोग क्या कर रहे हैं? God will hold you responsible. परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराएगा. And this is the truth. और ये सच्चाई है, मैं आपसे कहूंगा. You know, when I was talking to Shakaina, जब मैं शकायना से बातें कर रहा था, in the car yesterday, और कार में जब वो बैठी थी, you know, usually I share spiritual things. आमतौर से कार पे चलाते समय मैं आत्मिक बातें उन्हें बताता हूँ. I was telling her about so many talents Christians have. और मैं उसे बता रहा था कि कितनी ही बार मौका मसीहों को मिलता है. How many talents they have. कितना हुनर, कितनी कलर, कितना गिफ्टिंग है, कितने दान मसीहों के पास. प्रभु का उजाला है, प्रभु का आत्मा है,
प्रभु का सामर्थ है प्रभु का विजडम है प्रभु का माइंड है प्रभु जो अंदर है सबसे बड़ा है सी एवरीथिंग इज देयर तो मसीहों के पास सब कुछ है बट व्हाट आर वी डूइंग पर वो उस सब का क्या कर रहे थे You know, then I told her. तब मैंने उसे कहा. Holy Spirit placed this thought in my mind. और पवित्र आत्मा ने विचार मेरे मन में डाला. Which will really bless you. और जो सही में आपको आशीर्वादित करेगा. You know, when you go to heaven. जब आप स्वर्ग जाएंगे. God is our Father. तो परमेश्वर हमारा पिता है. You know, He will ask you. तो वो आपसे पूछेगा. My child. कि मेरे बच्चे. I gave you so many talents. मैंने तुझे इतने सारे हुनर दिए थे. What did you do with it? और उन हुनरों का तूने क्या किया? The best part of this is this. और सबसे इसका अच्छा भाग ये है. He will not scold you. कि वो आपको डांटेगा नहीं. तुम बोलेंगे अरे बाप बच गया. He will not discipline you. और वो आप पे शिस्त नहीं लागू करेगा. He will not judge you. वो आपका न्याय नहीं करेगा. But in a very loving way he will say. पर बहुत ही प्यार से वो कहेगा. Which is worse than disciplining. और इतना प्यार न्यौछावर करेगा कि आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो सजा ही मिल जाती. मैं ये प्यार सह नहीं पाऊंगा. This is what I wanted to say. You'll say, पिता परमेश्वर एक झापड़ा मारता था चलता था मगर तुम इतना प्रेम से बोल रहे यू कैन नॉट बेयर दैट कि आप वो सह नहीं पाएंगे डिड यू अंडरस्टैंड दिस कि आप समझ रहे हैं बिकॉज इन हेवन गॉड विल नॉट डिसिप्लिन यू क्योंकि स्वर्ग में प्रभु आप पर शिष्टाचार नहीं लगाएगा एनी डिसिप्लिन दैट ही हैज टू डू ही विल डू हियर यदि कोई सुधारने का काम है तो वो यहाँ आपको सुधारेगा फॉर आवर गुड हमारे भलाई के लिए But सुधारेगा in heaven, पर स्वर्ग में एज अ लविंग फादर एक बहुत ही प्रीतिमय पिता की in तरह सच अ वे ही विल से इतने प्यार से वो कहेगा ही विल से सच अ डिसिप्लिन करता था अच्छा रहता तो आप कहते थे इससे अच्छा मार ही देते तो अच्छा होता मारते इतना प्रेम से बोलेगा तुम्हारा हार्ट टूट जाएगा see you will not bear it you will not be able to bear it होगा आपको इतना दुख में होगा कि मैंने क्यों उन हुनरों का इस्तेमाल नहीं किया How much he loved me. कि उसने तो मुझसे कितना प्रीति की And he didn't expect anything from me. और इसके बदले उसने मुझसे कुछ उम्मीद भी नहीं he रखी gave, he is asking what he gave me. और जो उसने मुझे दे रखा है उसी के बारे में वो पूछ रहा है For the benefit of his own children. ताकि उसके अपने बच्चों का फायदा हो benefit सके of our own family. ताकि हमारे अपने परिवार का फायदा हो सके Amen. Amen. Now, this really touched my heart. और ये बात सही में मेरे मन को छू के निकल गई You know, many times Holy Spirit gives me the word. और कई बार पवित्र आत्मा मुझे वचन देता है. Which really touches my heart. और ऐसा वचन जो सही में मेरे मन को छू जाता है. Amen. Amen. So He is going to ask you very nicely. तो बहुत ही अच्छे से आपको पूछेगा. What are you going to say? और तब आप क्या जवाब देंगे? Don't worry. You don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है. But as a father. पर पिता के नाते. Amen. Amen. See, this kind of message will make you to do something for the Lord. और देखिए इस तरह के संदेश आपको और उतावले बना देंगे कि आप प्रभु के लिए जरूर कुछ करना चाहेंगे. Okay. There was a time I gave a message on restoration. एक ऐसा समय था जहाँ मैंने पुनः प्राप्ति पे संदेश दिया था. Now let me tell you. अब आइए मैं आपसे कह दूँ. This year it is good news for those who have been faithfully walking with the Lord. अब ऐसे लोग जो लगातार प्रभु के साथ विश्वास योग्य रीति से चलते आए हैं उनके लिए ये साल अच्छी खबर का साल है. In short, इसके बावजूद मैं थोड़े में समझाऊंगा. I will teach you on Sunday. और विस्तार में रविवार को बताऊंगा. Now, God will restore back everything that you lost. और जो कुछ आपने खोया है परमेश्वर वापस उसे जोड़ के देगा. In this new year. इस नए साल में उन सभी की वापस आपको प्राप्ति होगी. If there is one promise you must hold this whole new year is this. यदि कोई एक वादा है जिसे आपको कस के पकड़े रखना है पूरे साल में तो वो ये वादा है. That Those who have cheated you, कि जिन्होंने आपको फंसाया है, those who have hurt you, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, those who have demolished what you built, और जो आपने बांधा था, जिन लोगों ने वो तोड़ा है, those who have wasted you, जो लोगों ने बर्बाद कर दिया, they are going to be put away. वो सभी आपके जीवन से दूर किए जाएंगे. That's what God is going to do. यही परमेश्वर आपके लिए करेगा. From this year, you're going to see. इस साल से वो ऐसा करेगा. Amen. Amen. Because one of the qualities of God is He is a restorer. अब परमेश्वर का एक स्वभाव यह है कि जो खो गया है परमेश्वर उनका पुनः प्राप्ति कराने वाला परमेश्वर है. Whoever has robbed from you, और जिस किसी ने आपका जो कुछ चुराया है, will be restored back. वो वापस आपको मिलेगा. Whoever has troubled you, जिसने आपको बहुत परेशान किया, दुख दिया, they'll be removed. वो आपके जीवन से दूर किए जाएंगे. Amen. Amen. So if there is one promise you must hold the whole new year is this. तो एक
यदि कोई एक वादा है जिसे पूरे साल तक आपको कस के पकड़ के रखना है तो वो ये वादा है Amen. This Amen. Whole year, ये पूरे साल के लिए जस्ट बिलीव सिर्फ विश्वास कीजिए एंटर इनटू दिस प्रॉमिस और इस वादे के साथ इस नए साल में पैर रखिए दिस इज अ पर्सनल प्रॉमिस फॉर हिज चिल्ड्रन क्योंकि ये निजी प्रतिज्ञा या वादा है उसके अपने बच्चों के लिए व्हाट वाज नॉट हैपनिंग फॉर इयर्स एंड प्रीवियस इयर्स जो बहुत सालों तक ना हुआ यहां तक कि बीते सालों में ना हुआ विल हैपन फ्रॉम दिस ईयर वो इस साल से जरूर होगा आमेन आमेन So that is good news for God's children. तो ये परमेश्वर के बच्चों के लिए अच्छी खबर है. But bad news for those who have wasted you. पर जिन्होंने आपको ठगा है, फंसाया है, धोखा दिया है, उनके लिए बुरी खबर है. Yeah, it's bad news for them. तो ये उनके लिए बुरी खबर है. They'll be off the scene. वो पर्दे से या दृश्य से मिटा दिए जाएंगे. Whether they are believers or unbelievers. चाहे फिर वो विश्वासु हो या अविश्वासु हो, वो दृश्य से मिटा दिए जाएंगे Remember one thing. एक बात याद रखिए God is very patient. परमेश्वर बहुत ही धीरजवंत है God is very long suffering. परमेश्वर सहनशील है Amen. Amen. You read in the entire Bible. संपूर्ण वचन में पढ़िए He gives time. वो समय देता है But time will delay no longer. पर बहुत देर तक समय नहीं दिया जाएगा Whenever the cup is full, कि जब प्याला उभर के छलकेगा It comes before God. तो वो जो प्याला है वो प्रभु के आगे उठाया जाएगा You read in the Bible. आप बाइबल में पढ़ सकते हैं Don't think they'll continuously harass you. कभी ना सोचिए कि जो आपको सता रहे हैं वो हमेशा सताते रहेंगे. Continuously cheat you. जो आपको धोखा दे रहे हैं वो सदा धोखा देते रहेंगे. No, नहीं. It doesn't happen. When the cup is full, जब प्याला भर जाएगा, it comes before God. तो वो प्याला प्रभु के आगे And आएगा. And God being a righteous God. और क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी ईश्वर है, He has to judge. जरूरी कि वो अपना न्याय उतारे. But remember one thing. पर एक बात याद रखिए. God doesn't rejoice in judgment. कि जहाँ न्याय और दंड देने की बात आती है तो इस बात से परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती. No. With weeping, with tears in his eyes. आँखों में आंसू भरकर, रोकर. Discipline or judgment of God comes. परमेश्वर का न्याय उसका दंड उतरता है. Amen. Amen. When Jesus was put on the cross. जब प्रभु यीशु क्रूस पर टांगे गए. For the sins of mankind. मानव जाति के पाप के लिए. And our Father had to bring judgment. और जरूरी था कि हमारा पिता उस पे न्याय उतारे. He wept. Very much. तब पिता फूट फूट कर रोया. Yeah. So remember. तो याद रखिए. Our God, the Bible says, our God is full of compassion. और वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर करुणा से भरा है. Amen. Amen. The highest quality of God is compassion. और परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ स्वभाव करुणा है. Not judgment. न्याय या दंड नहीं. Judgment is based on righteousness. और जहाँ दंड की बात आती है वह धार्मिकता के कारण दंड उतरता है. Mercy, grace is based on love. और दया और कृपा उसकी प्रीति के आधार पे Amen. आती है Amen. So God is both. तो परमेश्वर दोनों है Loving. वो प्रीतिमय है And also righteous. और साथ ही साथ वो धार्मिक भी है Amen. Amen. You know, some people only see the loving part. अब कुछ लोग केवल उसके प्रीतिमय भाग को देखते And they say, God so loves, He will not send anyone to hell. और वो कहते हैं यदि प्रभु इतना ही दयालु और प्रीतिमय है तो वो कभी किसी को नर्क नहीं भेजेगा. See, they are seeing one part of God. तो देखिए हम परमेश्वर के केवल एक भाग को देख रहे हैं. Which is true. जो कि सच है. But the other part. पर जो दूसरा भाग है. Is his righteousness. वो है कि वो धार्मिक है. And the righteousness part is answered by the cross. और जो उसका धर्मी भाग है उसकी पुष्टि क्रूस के द्वारा हुई है. Amen. Amen. Why did God send Jesus on the cross? क्यों परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पे टांगा? To fulfill righteousness. ताकि धार्मिकता की मांगे पूरी हो सके. To be just in forgiving us of our sins. ताकि जहां वो हमारे पापों को क्षमा करता है तो वो न्यायी होकर हमारे पापों को क्षमा करे. Amen. See, look at this. People don't know this. देखिए ये बात लोगों की समझ में नहीं आती. I'm telling you, in the last days. मैं कहना चाहूंगा अंतिम दिनों में. Even those who are considered believers will go astray. यहां तक कि जो विश्वासु माने जाते हैं वो भी भटक जाएंगे. Not suddenly. अचानक नहीं. Because Jesus said. क्योंकि यीशु ने कहा. If possible, even the elect could be deceived. यदि हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे. Will be deceived. वो धोखा खा लेंगे जो चुने हुए हैं वो भी धोखा खा लेंगे. And deception takes place slowly. और जहाँ धोखे की बात आते हैं धीरे-धीरे धोखे में गिरता है इंसान. Turning away from God doesn't happen within a day. और परमेश्वर से दूर होके भटक जाना ये पल भर में या एक दिन में नहीं होता. It happens slowly. धीरे-धीरे इंसान प्रभु से दूर-दूर जाता है. Little by little deceptions. वो धीरे-धीरे धोखे में आता रहता है. Robs.
the faith. और यही उसका धोखा उसके विश्वास को दूर कर देता है. The spiritual faith is robbed. और उसका आत्मिक विश्वास कमजोर हो जाता है. When faith is robbed, और जहाँ विश्वास कमजोर हो जाता है, you lose your control in spiritual things. और जहाँ आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, आत्मिक बातों पे आपका नियंत्रण, आपका ताबा नहीं रहता. Before Satan could rob your things, इससे पहले कि शैतान आपका सामान चुराए, he has to move you away from faith. जरूरी कि शैतान आपको विश्वास से दूर करे. Because what you are holding is by faith. क्योंकि जो कुछ हम थामते हैं वो विश्वास से हम थामते हैं. Hello, you agree with this? आप इससे सहमत हैं? Our entire relationship, हमारा संपूर्ण नाता, is based on faith. ये विश्वास के कारण जुड़ा है. Amen. Amen. Our blessings, हमारे आशीर्वाद, is based on faith. ये विश्वास के कारण जुड़े हैं. By grace, कृपा के द्वारा, through your faith, आपके विश्वास से, you can hold it. आप इन बातों को थामे रखते हैं. You are connected to it. आप इनसे जुड़े रहते हैं. So before the devil could rob anything that is yours, इससे पहले कि जो कुछ आपका है उसे शैतान चुराए, he has to move you out of faith. जरूरी कि शैतान आपको विश्वास से बाहर निकाले. And here is where many of God's children have failed. और यही तो कई मसीह लोग गलती कर बैठते हैं. They are trying to keep the things. वो उन चीजों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं. By their own strength. अपने बलबूते द्वारा. No. नहीं. You keep it by faith because you received it by faith. आप इन सभी चीजों को विश्वास से कायम रख सकते हैं क्योंकि इन सभी चीजों की प्राप्ति आपको विश्वास से हुई है. That's why you must walk by faith till the last. इसलिए अंत तक हमें विश्वास की चाल चलना है. Because everything that you keep. क्योंकि जो कुछ आप बरकरार रखते हैं, everything that you have, जो कुछ आपका है, you have received by grace through faith. वो सारी चीजें कृपा से विश्वास के द्वारा आपको मिली है. हमारा मेहनत से हमको उद्धार नहीं मिला है. हेलो, यू आर नॉट सेव्ड बाय योर स्ट्रेंथ. आपके अपने बलबूते से आपका उद्धार नहीं हुआ. By your performance, आपके अच्छे कार्य प्रदर्शन, by your merit, या आपकी गुणवत्ता से, that you can keep all this by your strength. कि आप अपने बलबूते अपनी गुणवत्ता से इन्हें कायम रख सकें. If you have received by your strength, यदि आपकी अपनी गुणवत्ता से ये चीजें आपको मिलती, God has not given you, तब तो परमेश्वर ने ये चीजें आपको नहीं दी है. Amen. Amen. For by grace you are saved when you put your faith. क्योंकि कृपा से ही आपका उद्धार तब होता है जब आप विश्वास उसमें जोड़ते हैं. Salvation is God's work. उद्धार परमेश्वर का कार्य है. Amen. Amen. Because of His love. और उसकी प्रीति के कारण वो उद्धार देता है. And it is grace that releases salvation. और ये कृपा है जो इस उद्धार को खोलती है. And grace always requires faith. और जहाँ कृपा होती है उसके लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है. Grace does not need your works. कृपा में आपके कामों की जोड़ होना जरूरी नहीं है. You can cancel your grace when you put your strength, your works, your performance, your merit. जहाँ आप अपनी गुणवत्ता, कार्य प्रदर्शन और अपने कामों की जोड़ लगाते हैं, वहाँ आप कृपा को रद्द कर देते हैं. Amen. Amen. So how can you hold all the blessings? तो सभी आशीर्वादों को आप कैसे पकड़ के रख सकते हैं? Not by your wisdom. अपनी बुद्धि से नहीं. बहुत लोग विजडम से ऐसे रखेगा, मैं ऐसा होशियार दिमाग से. नहीं 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 नहीं, ओ डेविल ऐसा रॉब करेगा. Amen. तुम्हारा दिमाग से नहीं मिला ये सब, तुम्हारा होशियारी की वजह से नहीं मिला. से ना, आई एम नॉट क्लेवर, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ. आई हैव नॉट स्टडीड मच, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ. आई जस्ट कुड फिनिश 10th. मैं सिर्फ अपनी 10वीं पास कर पाया. आई हैव रिसीव्ड बाय ग्रेस. तो जो मैंने पाया है वो कृपा से पाया है. Amen. Amen. When I believed in His grace, God gave me faith to receive. और जहाँ मैंने उसकी कृपा पे विश्वास किया, प्रभु ने मुझे विश्वास दिया ताकि वो चीजों की प्राप्ति मुझे हो सके. So whatever I have today, तो जो कुछ आज मेरे पास है, is by His grace. वो सब उसकी कृपा के द्वारा मिला है. So now how do I keep it? तो कैसे मैं उसे बनाए रखता हूँ? How I make it to grow? कैसे मैं उसे बढ़ाता हूँ? By faith. विश्वास से. Amen. Amen. Now how can the devil rob it? अब कैसे शैतान उसे चुरा सकता है? He will make me to move out of faith. वो चाहेगा कि मैं विश्वास के बाहर निकल आऊं. बाइबल मत पढ़ो, चर्च मत जाओ, प्रार्थना मत करो, इससे दूर जाओ, थोड़ा धीरे धीरे दूर गए, he robs it. अतः वो आपका सामान चुराने लगता है जब आप विश्वास के बाहर आ जाते हैं. Very simple. कितना आसान है. Amen. Amen. How are you going to watch what God has given you? अब जो प्रभु ने आपको दे रखा है उसको आप कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? When you have faith. तब जब आपके पास विश्वास होगा. Express that faith in thanksgiving. और जहां आप धन्यवाद देकर उस विश्वास को प्रस्तुत करेंगे. Thanksgiving shows that you didn't earn it, it was God's grace. और धन्यवाद दिखाता है कि आपने मेहनत से नहीं कमाया है, पर ये प्रभु की कृपा है जिससे आपको मिला है. Amen. Amen. That's what means thanksgiving. और यही तो धन्यवाद का मतलब है.
धन्यवाद क्यों देते हैं क्योंकि हमको मालूम है हमारे हुनर से नहीं मिला प्रभु का कृपा से मिला Amen. Amen. So that speaks about your faith. तो ये बात आपके विश्वास को दिखाती है. So be very careful. तो बहुत ही सावधान रहिए. The devil, before he can do anything in your life, कि शैतान इससे पहले कि आपके जीवन में कुछ भी करे, has to make you to doubt. जरूरी कि पहले वो आपके मन में शंका लाए. Has to make you to move away from faith. जरूरी है कि वो पहले आपको विश्वास के बाहर निकाले या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी भरे और तुम वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से फेथ नहीं आता है हेलो व्हाट इज नॉट द वर्ड विल नॉट गिव यू फेथ जो वचन में नहीं है वो बात आपको विश्वास नहीं देगी फेथ कम्स व्हेन यू हियर द राइट वर्ड ऑफ गॉड और विश्वास तब आता है जब आप परमेश्वर के सही वचन को सुनते हैं द डेविल हैज स्टडीड ऑल दिस और शैतान ने इन सारी बातों का अध्ययन कर रखा है आमेन आमेन सो व्हाट ही विल डू तो वो क्या करेगा ही विल फीड यू दैट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन Which has no divine faith. और वो आपके मन में ऐसी जानकारी और ऐसे ज्ञान भरेगा जिसमें दिव्य विश्वास नहीं है. And you'll be holding on to something which is khokhla, which is empty. और आप ऐसे कोई चीज को थामे रखे होंगे जो खोखली और खाली है. And you will think it is faith. और आपको लगेगा कि ये विश्वास है. Like traditions, जैसे कि परंपराएं. Yesterday I spoke about traditions. और जैसे मैंने आपको कल ही बताया था परंपरा रीति रिवाज के बारे में. Mark 7. 13, don't forget. और मरकुस 7:13. See, I spoke to you. देखिए मैंने आपसे कहा. The word of God has power. कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य. To change any situation. कि आपके किसी भी बिगड़े हालात को सुधार दे. But the traditions can make the word powerless. पर आपकी परंपराएं इसी वचन को बेअसर बना सकती है. Amen. Amen. Look at this. इस पे ध्यान कीजिए. Is it Mark 7:13? तो क्या ये मरकुस 7:13 है? Keep this in your mind. और अपने मन में ध्यान से रखिए, ठान के रखिए. The word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है. It can do anything for you. और ये वचन आपके लिए कुछ भी कर सकता है. When you hold it. जब आप उसके कस के थामे रखते हैं. Amen. Amen. But there is something else. पर कुछ और बात है. That can make even God's word powerless. और ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन को भी बेअसर बना सकती है. What is that? वो कौन सी बात है? Tradition. वो है परंपराएं. Wrong information. गलत जानकारियाँ. See, man-made informations. और इंसान की दिलाई हुई जानकारियाँ. Traditions are man-made. जो परंपराएँ वो इंसानों ने बनाई हैं. Like I said, for the new year. जैसे कि नए साल के लिए. Many people come. बहुत से लोग आते हैं. They may even burn the old man. यहाँ तक कि वो पुराने इंसान को भी जलाते हैं. उन लोग बाकी मीटिंग्स में नहीं आएगा. Old man burn करने के लिए आएगा ही उन लोग. See. That means they are pakka for traditions. इसका मतलब वो परंपराओं में मजबूत हो चुके हैं. They will never miss it. वो कभी उसे टालेंगे नहीं. They'll never miss 31st. वो कभी भी 31 दिसंबर को घर में नहीं बैठेंगे. वो चर्च आएंगे. Christmas. Christmas को आएंगे. New Year. नए साल में आएंगे. Good Friday. वो Good Friday को आएंगे. Never miss all this. तो ये सारे त्योहारों में वो जरूर आएंगे. That's why they have no power in their life. और ये कारण है उनके जीवन में परमेश्वर की शक्ति नहीं होती. They are in deception. वो अपने आप में धोखे में रहते हैं. They'll come faithfully before time. वो समय से पहले ईमानदारी से आते हैं. Maybe that church holds candlelight. हो सकता है कि वो चर्च मोमबत्ती लेकर चलता है. तो वो भी मोमबत्ती जलाएंगे. Very sincerely. बहुत ही ईमानदारी से. Religiously. बहुत ही धार्मिक रीति से. ये सब करने से मेरा उद्धार होगा, आशीर्वाद होगा. और उसके बाद लोग कभी नहीं दिखेंगे वचन को. Look at this. They'll never come for the word. तो फिर से वो कभी वचन सुनने के लिए साल भर नहीं आएंगे. They are trying to get power from this tradition. इन सभी तरह की परंपराओं से वो शक्ति पाने की कोशिश करते हैं. Old man जलाएंगे. Faithfully इधर रुकेंगे. जल रहा है. पूरा जलने तक देंगे. हो गया. अभी आशीर्वाद. अरे. There is no power in this. इन सभी बातों में किसी तरह की शक्ति नहीं है. Amen. Amen. The devil can destroy your life. शैतान आपका जीवन बर्बाद करके रख सकता है. In the flesh, the devil can destroy. जहाँ शरीर की बात आएगी तो शरीर में वो ज़्यादा ताकतवर है, वो आपको बर्बाद कर सकता है. Okay, let's go to the word. आइए आज के संदेश की ओर बढ़ें. Now I'll give you two verses. दो वचन मैं आपको दूँगा. Hold this verse. This is for you. और ये पूरे साल इन वचनों को पकड़े रहिए, ये आपके लिए हैं. Those who have lost many things. ऐसे लोग जो बहुत कुछ खो चुके हैं. Those whom others have wasted. और कुछ ऐसे लोग जिन्हें दूसरों ने लूटा है. So God is going to remove them off the scene. तो परमेश्वर इन सभी बातों को दूर करेगा. You know, I don't want like to tell all this, but ये सारी बातें कहना अच्छा तो नहीं लगता. Here in my ministry, यहाँ तक कि मेरी सेविकाई में भी ऐसी बातें हो चुकी हैं. Many who had
pull down our ministry in some way or the other. बहुत से लोग जिन्होंने हमारी सेविकाई को किसी न किसी रीति से गिराने की कोशिश की. After many years, और बहुत सालों के बाद, God removed them off the scene. परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया. Nearly about 7 to 8 people. तकरीबन 7 से 8 लोग. I don't tell this, but मैं कभी ये बोलता तो. That we must know that we must not hinder God's work. ये अच्छा होगा कि हम ये जान लें कि परमेश्वर के काम में हम बाधा न बने. Let me read to you 2 verses. आइए कि दो वचन आपके लिए पढ़ो. And you can believe. और इस पर आप विश्वास करें. This whole year. ये पूरे साल विश्वास कर सकते हैं. Amen. For this whole year. पूरे साल के लिए. This is the scripture. और ये आपके लिए वचन है. One is Jeremiah 30:17. और एक है यिर्मयाह की पुस्तक 30:7. God will re-establish what the enemy stole or destroyed. अब जो शत्रुओं ने बर्बाद किया या तोड़ा है परमेश्वर उन्हें पुनः स्थापित करेगा. Amen. Amen. I will restore health to you. मैं पुनः तेरी सेहत तुझे लौटाऊंगा. And heal your wounds. और तेरे घावों को चंगा करूंगा. Because they called you an outcast. क्योंकि तूने मुझे बाहर निकाला हुआ कहा है. Yeah. So whatever they called you. तो जो कुछ वो आपको कहें. See what God is going to do. देखिए प्रभु आपके लिए क्या करेगा. You know, we always preached about God is a restorer. हमने हमेशा कहा है कि परमेश्वर पुनः प्राप्ति कराने वाला ईश्वर है. But this prophecy will be fulfilled from this year. पर ये जो भविष्यवाणी है इस साल से पूरी होगी. Amen. See, Amen. Prophecies don't come outside the word. देखिए जो भविष्यवाणी है वो वचन के बाहर नहीं आती. Many want prophecies outside the word. कई ऐसे लोग हैं जो वचन के बाहर भविष्यवाणी चाहते हैं. Prophecies is this word of God is a word of prophecy. अब जो परमेश्वर का वचन है ये स्वयं भविष्यवाणी का वचन है. You must put your faith for the prophecy to be fulfilled in your life. जरूरी है कि भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो इसके लिए आप अपने विश्वास को इसमें डालें. So, whatever you were going through till last year. आप पिछले साल तक जिस किसी परेशानी से आप जा रहे हैं. So from this year. इस साल से. God is going to do something new. परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर. Okay, the second verse is. अब दूसरा वचन है. Isaiah 49:17. और यशायाह 49:17. Your builders are coming quickly. तेरे बांधने वाले जल्दी-जल्दी आ रहे हैं. We will learn about this word in detail on Sunday. और रविवार को विस्तार से हम इन शब्दों के बारे में सीखेंगे. Your haters and those who made you waste will go out of you. और जो तेरे नफरत करने वाले और बर्बादी दिलाने वाले थे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे. Hello. Knowing जो भी उन लोग तुम्हारा विरोध किया है, hidingly भी किया है, unknowingly भी तुम्हारा बर्बादी चाह है या किया है, God is going to remove them. तो परमेश्वर उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देगा. Amen. Amen. Not only that. इतना ही नहीं. God is going to restore back everything. परमेश्वर जो कुछ आपने खोया उन सभी की वापस प्राप्ति करा के रहेगा. Amen. Amen. From this year. इस साल से. Start believing. विश्वास करना शुरू कीजिए. You will get back 7-fold. कि आपको 100 गुना वापस मिलेगा. Amen. Amen. Now we'll have to study about those who destroyed you, wasted you, all that. अब जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया था, लूटा था, ये सारी बातें के बारे में हम देखेंगे. We have to go word by word and we have to learn. और शब्द-शब्द पे हम गौर करके सीखेंगे. Even whatever I've been delayed in your life. यहाँ तक कि जो बातें अब तक आपको नहीं मिली है, उसमें विलंब हुआ है. You will get it this year. तो इस साल उन सभी चीजों की प्राप्ति आपको जरूर होगी. Amen. पक्का you will get it. Amen. 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 And you can. I want you all to come and give testimony. मैं चाहूँगा कि इस बात को लेके आप सभी आकर साक्षी दें. As this prophecy opens up in your life. और जैसे भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो. Amen. But there are prophetic instructions you must obey. पर ऐसी कुछ भविष्यवाणी से जुड़ी सूचनाएं हैं जिनका पालन आपको करना है. With the prophecy comes prophetic instruction. और कोई भी भविष्यवाणी होती है उनके साथ भविष्यवाणी से जुड़ी सूचनाएं भी होती है. हाँ. And you'll see this year all this will happen. और आप देखेंगे ये सारी बातें आपके जीवन में इस साल जरूर पूरी होंगी. Even God is saying that whosoever destroyed whatever you built. और यहाँ तक कि प्रभु ने कहा है कि जिन्होंने तोड़ा था वो बातें जो आपने बांधी थी. God is going to send builders to build it up. तो परमेश्वर बांधने वालों को भेजेगा कि वो बातें फिर से आपके जीवन में बांधें. Amen. And you're going to be blessed. और आप आशीर्वादित होंगे. Amen. God is going to send. See, we already have angels with us. देखिए हमारे पास पहले से हमारे साथ स्वर्गदूत हैं. But God is going to assign special angels to build you up. पर परमेश्वर खास स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि वो आपको बांधे. Amen. Amen. But those angels want that we obey some prophetic instructions. पर वो स्वर्गदूत चाहेंगे कि कुछ भविष्यवाणी से जुड़ी चित्तौनियां हैं या सूचनाएं हैं जिनका हम पालन करें. So from this year, तो इस साल से don't settle
for anything which is not from God. तो जो बातें परमेश्वर से नहीं है उस कम में आकर समाधान मत करिए. अभी हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, अभी कुछ ऐसा सब मत सोचो ये साल से. Amen. God is able to bring back what you have lost. Maybe you forgot. He is going to bring it back to you. और जो कुछ आपने खोया है हो सकता है आप भूल चुके हैं, पर परमेश्वर ऐसा योग्य है कि वो सारी बातें आपके जीवन में पुनः निर्माण करे. If you settle for those things which does not belong to God, you cannot come out. यदि वो बातें जो परमेश्वर से जुड़ी नहीं है उन बातों को अपना लेंगे आप, तो आप कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे जीवन में. Suppose you didn't hear this prophecy. मान लीजिए कि आपने भविष्यवाणी नहीं सुनी. And you have believed and accepted that मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, लोगों ने बर्बाद कर दिया था, बहुत दुख पहुंचा है, अभी क्या ऐसा ही रहेंगे स्वर्ग में जाने तक. Then you cannot come out. तब तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे. Amen. Amen. But when there's a prophecy, पर जहां भविष्यवाणी आती है, it's an opening from God. तो ये परमेश्वर की ओर से खुला दरवाजा है. That you put your faith and confidence. और जहां आपको अपना भरोसा और विश्वास दिखाना है. And make it to happen. और उसे अपने जीवन में पूरा कर दिखाना है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. See, without the word, देखिए बगैर प्रभु के वचन के, और कॉन्फिडेंस टू बिलीव टू रिसीव. बगैर प्रभु के कहे वचन के ना तो हमारे अंदर पूरा विश्वास या भरोसा होता है कि हम उस पर भरोसा करें और उसे अपनाएं और जीवन में पूरा करें. Those who don't come to church to hear the word, जो लोग कलीसिया वचन सुनने के लिए नहीं आते, have nothing to receive. उनके पास कुछ शब्द ही नहीं है जिसके आधार पे वो पा सके. On what basis? किस आधार पे वो मांगेंगे? It's the word knowledge basis that you receive. ये वचन का ज्ञान का आधार है जिसके आधार पे हम मांगते और पाते हैं. Amen. It's like an anchor. ये मानो एक लंगर है. Which holds you. जो आपको पकड़ के रखता है. You know, as the boat is in the sea or river. आप जानते हैं कि जैसे वो लंगर जहाज को नदी या समुद्र में पकड़ के रखता है. What keeps that boat from being led astray? तो कौन सी बात है जो उस जहाज को पानी में यूं ही बहने नहीं देती? They put an anchor. तो वो एक लंगर डालते हैं. Isn't it? वो लंगर धस जाता है जमीन में. कितना भी बोट इधर उधर जाए वो वापस उधर ही आएगा. तो वो नाव किधर भी लहराए वो लंगर उसे कस के रखता है, वो भटकती नहीं नाव. If there is no anchor, यदि लंगर ना होता, that boat will not survive. It will be just dashed here and there. तो वो नाव यूं ही पानी के थपेड़े खाएगी और डूब जाएगी आगे चल के. So those who don't come to church. तो ऐसे लोग जो चर्च नहीं आते. Those who don't hear the word of prophecy. जो प्रभु का भविष्यवाणी वाला वचन नहीं सुनते. They don't have an anchor to hold. तो उनके पास वचन का लंगर नहीं है कि वो कस के थामे. Amen. Amen. You need something to hold. आपके पास कुछ ऐसा वचन चाहिए जिसे आप पकड़ के रखें. So when you come to church, इसे जब आप कलीसिया में, when you hear the word, जब आप वचन जानते हैं, that's the anchor. तो यही लंगर है. Amen. Amen. That is a promise for you. वो वादा है जिसको आप पकड़ के रखते हैं. When you put your faith, जब आप अपने विश्वास को डालते हैं, you open to receive. तो आप खुल जाते हैं पाने के लिए. Amen. Amen. See, that's the way it works. तो देखिए इस रीति से काम होता है. Every prophecy. हर एक भविष्यवाणी. What God has to give you. जो प्रभु आपको देना चाहता है. Is in His word. वो पहले से उसके वचन में मौजूद है. At the right time. और सही समय में. God will pick up a scripture. वो वचन शास्त्र बनेगा. God will pick up a scripture. परमेश्वर वचन उठाएगा. And tell you. और आपसे कहेगा. This is for this year. कि ये वचन इस साल के लिए है. Amen. Amen. See, this scripture has been for thousands of years. देखिए ये पवित्र वचन हजारों सालों से है. But in the right time. पर सही समय में. See, in the right time Jesus came. देखिए सही समय में प्रभु यीशु. The Bible says it. वचन में ऐसा लिखा है. They were waiting. वो रुके थे. They knew he's going to come. वो जानते थे कि वो आने वाला है. But the right time. पर सही समय में. The Lord came. प्रभु यीशु आए. See, there's a time for the scriptures. तो देखिए वचन की पूर्ति के लिए एक समय है. Amen. Amen. So, the scripture for this year is. God is going to restore back everything. तो इस साल के लिए परमेश्वर का वचन है कि प्रभु सारी खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त कर दिखाएगा. Amen. Now this should give you hope. तो ये बात आपको आशा देनी चाहिए. If you have settled for anything less, यदि आपने थोड़े में ही समाधान कर लिया, resist it in Jesus. तो उसका उसे नकारिए यीशु के नाम में. अभी क्या लोगों ने बर्बाद किया, अभी क्या मेरा परिवार टूट गया, अभी कुछ नहीं कर सकते. पैसा लोगों ने लूटा, अभी कुछ नहीं कर सकते. मेरा जो बनाया गया है इसने डिमोलिश किया, अभी कुछ. नो, डोंट सेटल फॉर दैट. तो वो छोटी बातों को देख कर समाधान मत करिए. Maybe you have been praying for years. हो सकता है आप सालों से प्रार्थना कर रहे थे. It didn't happen. पर वो बात ना हो पाई. The time is now. पर अब समय आ चुका है. It is going to happen. वो आपके जीवन में जरूर पूरा होगा. Amen. Amen. From this year onwards. इस साल से ये पूरा होगा. God is going to return back everything what those who are haters and destroyers
And those who have made your life waste, have done anything for your life, God is going to remove them. और ऐसे लोग जिन्होंने आपको बर्बादी पे उतारा है, आपको लूटा है, फंसाया है, ठगा है, आपको परेशान किया है, इन लोगों को प्रभु दूर करेगा और जो खोया है उन्हें पुनः प्राप्त करेगा। Lord, when Lord, when Lord? और कई लोग कहते हैं प्रभु कब 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 होगा? ये सब लोगों ने मेरा इतना बर्बाद किया, प्रभु कभी तुम करेगा, कभी करेगा? कब तू न्याय करेगा इनका? God is going to do it from this. तो प्रभु इस साल से उनका न्याय करेगा. Amen. And God is going to, when God restores, अच्छा प्रभु वापस लाता है. He doesn't restore one to one. तो वो एक के बदले एक नहीं देता. You know, if you read in the Bible. यदि आप बाइबल में पढ़ें. You know, Bible is our source. तो बाइबल ही हमारी स्रोत है जानकारी के लिए. You see in the Bible. तो आप वचन में देख सकते हैं. He has always restored many times. कि जो भी लोगों ने खोया था, जब उन्हें वापस मिला, तो कई गुना और पटी में मिला. You read in Exodus, Leviticus, all these verses. तो आप निर्गमन में, लेव्य व्यवस्था, इन सभी किताबों में पढ़ सकते हैं. Here it says. तो यहाँ लिखा है. If harm came to someone. यदि किसी का कोई नुकसान हुआ. Or something was stolen. या किसी का कुछ चुराया गया. God would command that the return be greater. तो प्रभु आज्ञा देता है कि जो लौटा कर दे, वो बढ़कर लौटाए. What was plundered or robbed from you. लूटा गया था या चुराया गया था, उसकी जब भरपाई हो तो वो बढ़कर भरपाई हो. Very rarely would the return be one for one. कभी कभार ही ऐसा हुआ है कि जहां भरपाई एक के साथ एक हुई हो. Almost every time in the Bible. और बाइबल में हर बार जब भरपाई हुई. Return was ordered to be more than like a double blessing. और जहां लोगों ने जो भी खोया था, जब उनकी भरपाई हुई तो दुगने तौर पे या चौगने तौर पे भरपाई हुई. Or four or five times greater. और चौगने या पांच गुना भरकर भरपाई हुई. And further than that, sevenfold. और आगे चल के तो सात गुना भरपाई की गई. Proverbs 6:31 says. और नीति वचन 6:31 में लिखा है. We have a sevenfold principle. Yeah. और यहाँ पर एक सात गुना नियम लिखा गया है. When the thief is found, कि जब चोर पकड़ा जाए, see, he must restore sevenfold. तो जब चोर पकड़ा जाए, तो जरूरी है कि वो जो कुछ चुराया था, उसका सात गुना भर के दे. Amen. Amen. So from this, see, once you get this prophecy, देखिए जब आपको ये भविष्यवाणी मिल जाती है, your prayer must change. तो अब आपकी प्रार्थना बदल जानी चाहिए. Your faith must change. आपका विश्वास बदल जाना चाहिए. You know, Bible is a layered. Is layered. तो बाइबल में सतह पे सतह रखी गई है. So this is for us now. तो ये एक सतह हमारे लिए आपके लिए खुली है. Amen. Amen. And God is going to make that happen from this year. और इस साल से परमेश्वर ये कर दिखाएगा हमारे लिए. If your marriage was lost or broken, यदि आपकी शादी टूट चुकी थी, शादी में खटास आ चुकी थी, there'll be a restoration once again. तो पुनः परमेश्वर आपकी शादी में भरपाई लेकर आएगा. If you lost your career, मान लीजिए आपका पेशा खो गया था, or anything, या कुछ क्यों ना हुआ हो. Whatever's happened, जो negative. कुछ आपके जीवन में नकारती घटना All हुई these है, years you have been praying, इतने सालों से आप प्रार्थना कर रहे believing, थे, विश्वास कर रहे थे, and maybe some of you have given up, हो सकता है कुछ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी हो, हो नहीं सकता है, but this year 2018 God is going amen, to amen. Build it again. और ये 2018 का साल परमेश्वर पुनः बांध काम करने Restore वाला back है, again. पुनः प्राप्ति करा के देने वाला है. Amen. Amen. Just a few weeks back I had given this message restoration brings joy aur thode hafte pehle hi maine ye sandesh diya tha ki punah prapti anand lati hai and I never knew that it is for this year aur maine jana hi nahi tha ki bhavishyavani is saal ke liye hai praise the lord hallelujah you can hear that message ab wo sandesh sun sakte hain restoration brings joy ki punah prapti anand lati hai and that time I had spoken aur us samay maine kaha tha that god is going to restore god is going to parmeshwar punah prapti karega bharpai karke dega but that time is now aur wo samay ab hai amen so believe this verse to is vachan pe vishwas we are going to learn more on Sunday aur is bare mein hum ravivar ko aur zyada seekhenge when the testimony happens aur jab aapke jeevan mein ye gawahi puri ho maybe you waiting for long for marriage ho sakta hai bahut saalon se aapki shaadi nahi hui thi maybe for your business ho sakta hai aapka dhanda nahi chal raha tha someone has cheated you ho sakta hai kisi ne aapko fasaya tha robbed you dhoka diya tha made your life a waste ho sakta hai jeevan sab kuch bikhar gaya tha God is going to restore back. तो परमेश्वर सारी बातों में भरपाई करेगा. That's why we must not cheat. इसलिए हमें किसी को फंसाना नहीं है. Christians must never cheat. मसीह लोगों को कभी बेईमानी नहीं करनी है. Christians must never lie. मसीहों को कभी झूठ नहीं बोलना है. Because when judgment comes, क्योंकि जब न्याय उतरेगा, हमारे ऊपर भी आ जाएगा. तो उसकी शुरुआत परमेश्वर के घर से होगी. Because God is just. क्योंकि प्रभु धर्मी है. Amen. Amen. We have to be careful. हमें सावधान रहना है. Amen. Amen. But those who have done like this, पर जिन लोगों ने ऐसा किया from था, this year, इस साल से, they will not harass you anymore. वो फिर से आपको कभी सता नहीं पाएंगे. Amen. Amen. They will not trouble you anymore. फिर से आपको परेशान नहीं करने पाएंगे. Whatever have been laid waste, और जो कुछ आपने खो दिया, बर्बाद हुआ, God's builders are going to come Amen. and
build your life. तो परमेश्वर के बांधने वाले आएंगे और ऐसे बांधने वाले आपके जीवन को पुनः बांधेंगे. If someone has destroyed your life, यदि किसी ने आपके जीवन को बर्बाद किया था, that person will be out. तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए दूर होगा. And God will rebuild you. और प्रभु पुनः बांध काम करेगा. Rebuild your family. आपके परिवार को बांधेगा. Rebuild your home. आपके घर को बांधेगा. Rebuild your business. आपके धंधे को बांधेगा. Rebuild your name. आपके नाम को बांधेगा. Rebuild your career. आपके पेशे को बांधेगा. Rebuild the church. कलीसिया को बांधेगा. Even those who have destroyed the church. जिन्होंने कलीसिया को तोड़ा और बर्बाद किया. God is going to remove them off the scene. तो परमेश्वर उन्हें हमेशा के लिए दूर करेगा. And he's going to rebuild it. और प्रभु पुनः वो बांध काम करेगा. Amen. Let's all stand up. We give glory to Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. प्रभु का जो मन है हमारे ऊपर है हमेशा, उसका नज़र हमारे ऊपर है हमेशा. हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमको देख रहा है. इज कंसर्न अबाउट अस, कि प्रभु को हमारा ख्याल है. हमारा उसका नज़र से हम लोग कभी भी नहीं हटते हैं. मत डेवल ऐसा परिस्थिति लाता है और ये बताता है कि प्रभु भूल गया है, प्रभु नहीं देख रहा है, या प्रभु नहीं देना चाहता है. ये सब नहीं है. दीज थिंग्स डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम गॉड. ये बातें प्रभु से आपको दूर ले जाती हैं. This is not faith. पर ये विश्वास नहीं है. As I told you today. जैसे मैं आज मैंने आपसे कहा. The devil will always give you information which has no faith. और शैतान हमेशा ऐसी जानकारी भरेगा जिसमें विश्वास नहीं है. Which has no divine faith. जिसमें ईश्वरीय विश्वास नहीं है. To move you out from faith. ताकि विश्वास से आपको बाहर निकाल सके. But we must cling on to His word. पर हमें उसके वचन को पकड़े रहना है. Even though experience differs. इसके बावजूद कि हमारे तजुर्बे और अनुभव में नजर ना भी आए. So, forget the past. तो अपने गुजरे कल को भूल जाइए. As we have a new prophecy. जैसे हमारे पास नई भविष्यवाणी है. For this new year. इस नए साल के लिए. Forget that past. तो वो गुजरे कल को भूल जाइए. Forget what people did. जो लोगों ने किया भूल जाइए. Because they are not going to be seen again. क्योंकि वो दोबारा नजर नहीं आएंगे. And you are going to be blessed this year. और ये साल आप आशीर्वादित होंगे. It begins when you let go of all these things. और ये बातें तब आपके जीवन में होंगी जब आप वो पुरानी बातें जाने दें. You don't have to keep revenge. आपको बदला नहीं रखना है. Hate or hurt. नफरत या ठेस नहीं रखना. Whatever they have done. जो कुछ उन्होंने किया है. Let it go. उसे जाने दीजिए. Because the time is up. क्योंकि समय पूरा हो गया. God is going to remove them. प्रभु उन्हें निकाल देगा. But you will have sevenfold return. पर आपको सात गुना प्रभु लौटा के देगा. In Jesus' name. Amen. Amen. So let go of the past. तो अपने भूतकाल को छोड़ दीजिए. You can spend some time at home. आप घर में थोड़ा समय बिता सकते हैं. And later on I'll teach you what to do. और आगे चल के मैं सिखाऊंगा आपको. Thank you, Father. धन्यवाद. Praise you, Father. धन्यवाद. Father, I thank you for all these wonderful saints. पिता इन सुंदर संतों के लिए धन्यवाद. Who came despite of all these problems. इन सभी तकलीफों के बावजूद ये लोग आए. धन्यवाद. Thank you, Father. धन्यवाद. Thank you. You have seen, you have noted down everything. आपने देखा है सारी बातें लिख ली है. You note down everything. आपने सब कुछ लिख लिया है. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. And Father, thank you for this prophecy for this new year. पिता इस नए साल की भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद. We are so blessed to hear this prophecy. और हम ये भविष्यवाणी सुन के बहुत आशीर्वादित हैं. We are going to hold this prophecy before our eyes. और हमारे मन में और आंखों के आगे इस भविष्यवाणी को थाम रखेंगे. Till it comes to pass in our lives. ये हमारे जीवन में पूरी होकर रहे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Now I bind all interference of the devil. अब शैतान के सभी दखलंदाजी को बंद करो. They try to hinder. जो रुकावट लाए. For this prophecy to be fulfilled. ताकि भविष्यवाणी पूरी न हो. Move out of the way. मार्ग से बाहर निकल. In Jesus name. यीशु के नाम में. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. The Lord says, as long as you hold on to this prophecy, you are strengthened. और प्रभु कह रहा है जब तक कि आप इस भविष्यवाणी को पकड़ के रखेंगे आप बल पाएंगे. And nothing or no one can move you out of that blessing. कोई बात और कोई चीज आशीर्वाद के बाहर आपको निकाल नहीं पाएगी. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. Okay. Your time of crying and pleading and begging is over. आपके रोने गिड़गिड़ाने और भीख मांगने का समय पूरा हो गया है. Just believe this prophecy and receive it. केवल इस भविष्यवाणी पे विश्वास करके इसे अपनाइए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you. धन्यवाद. In this new year. इस नए साल में. We believe. हमारा विश्वास है. We are blessed. हम आशीर्वादित हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. What the devil has robbed. जो कुछ शैतान ने चुराया है. We believe. हमारा विश्वास है. For return. वापसी के लिए. Of many times बहुत गुणा हमें in Jesus name. यीशु के नाम में.
Thank you, Father. You will restore back everything that we have lost. Everything that has been robbed. Everything that has been wasted. Everything that has been pulled down. Everything that is broken will be restored back. In Jesus' name. Whether it is marriage, family, home, or name, or whatever is the business, anything, जो कुछ shall be restored. उसकी पुनः प्राप्ति होगी. In Jesus' name. यीशु के नाम में. This is my year. ये मेरा साल है. The year of the Lord. ये प्रभु का साल है. I believe and receive. मैं विश्वास करके In Jesus' name. यीशु के नाम में. Let me pray for your healing. आइए आरोग्य के लिए प्रार्थना करो. Don't settle for sickness. और बीमारी को लेके संतुष्ट मत होइए. नहीं. Your health will be restored. आपकी सेहत वापस मिलेगी. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Keep on believing this whole year. लगातार पूरे साल इस पे विश्वास करते रहिए. ये पूरा साल हमारा है. Amen. 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 Don't let it go. इसे जाने मत दीजिए. Hold this promise. इस वादे को पकड़े रहिए. If you settle for all this, nothing can be done. यदि आप पुरानी बातों को पकड़ के रहेंगे तब तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता. Thank you, Lord Jesus. Now keep your hand wherever you need a healing. जहां कहीं आरोग्य चाहिए अपना हाथ रखिए. We believe. विश्वास कीजिए. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. I rebuke every sickness and disease. मैं हर एक बीमारी और रोग को डांटता हूँ. Every pain. हर एक दर्द. Whatever is your problem. जो कोई आपकी तकलीफ है. Any chest pain. छाती में दर्द. I rebuke it. डांटता हूँ उसे. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Be healed. आरोग्य पा. Be healed. आरोग्य पा. Now you don't have to cry. अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है. Rejoice. आनंद मनाइए. When you have the word. जब आपके पास वचन है. You don't have to cry. तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है. You have to believe. आपको विश्वास करना है. And hold tight. और उसे कस के पकड़ना है. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. Yeah, the prophecy of blessing is there for us. भविष्यवाणी का वादा हमारे लिए. The prophecy of restoration is there for us. पुनः प्राप्ति का आशीर्वाद हमारे लिए. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. We believe it, Lord. हमारा विश्वास है प्रभु. Any kind of demonic darkness. कोई भी दुरात्मा वाला अंधकार. I break the power of darkness. मैं अंधकार की शक्ति तोड़ता हूँ. I break the power of the devil. मैं शैतान की शक्ति तोड़ता हूँ. And all his influence. और उसके सारे प्रभाव. And all his interference. उसकी दखलंदाजी. In your life. आपके जीवन में. In your family. आपके परिवार में. In your home. आपके घर में. The demon that has robbed you. अधुरात्मा जिन्होंने चुराया आपको. Through anyone. किसी के भी द्वारा. Or try to waste your life. या आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश. Anyone. किसी के भी द्वारा. Or brought separation. या अलगाव लाया है, तलाक लाया है. Anything. कोई बात लाया है. I bind it in Jesus' name. मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में. This year. ये साल. Everything shall be restored. सारी बातों की पुनः वापसी. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Come back. लौटा. Go. जा. The host of angels. स्वर्गदूत की सेना. Cause all this to come back to them. ये सारी बातें आपके पास लौटा के ला रही है. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Witchcraft shall not work. करनी काम नहीं करेगी. Anymore. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Be free. आजादी पा. Be free. आजादी पा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. Let everything come back to them, Lord. कि प्रभु सारी बातें. Your children must be lifted up. आपके बच्चे ऊपर उठाए जाएं. We believe. हमारा विश्वास. From this year. इस साल से. Your children will be prosperous. आपके बच्चे उन्नति करेंगे. Your children will be lifted up. आपके बच्चे ऊपर उठेंगे. They'll get back their self-esteem. और उन्हें अपना रुतबा वापस मिलेगा. They'll get back their respect. उन्हें अपने सम्मान वापस मिलेगा. They'll get back their honor. उन्हें अपना आदर वापस मिलेगा. Those who had no name. और जिन्होंने नाम नहीं था खो दिया. They will have a name. उनका बड़ा नाम होगा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. Praise you, Jesus. स्तुति हो प्रभु. Praise you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you. धन्यवाद. This is the year the Lord will wipe away every tear. ये साल है जहाँ प्रभु हर एक आंसू को पोंछ देगा. From your eyes. आपकी आँखों से. No more tears. फिर आंसू ना होंगे. The word of prophecy. ये भविष्यवाणी का वचन है. For this year. इस साल के लिए. God has been seeing for so many years. जो प्रभु इतने सालों से देख रहा है. The time is come now. समय आ चुका है. And it will not delay. कि वो देर नहीं करेगा. Any further. और देर नहीं करेगा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Be blessed. आशीर्वादित हो. Marriages be blessed. शादी आशीर्वादित हो. Prosperity. उन्नति. Come to you. आपके पास आए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen.